क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। 200 पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2021 की प्लेऑफ की रेस का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दोस्तों, अगर हम शुरुआत की बात करें तो इस मुकाबले में जैसी शुरुआत प्रेडिक्ट कर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इस मुकाबले में शुभमन गिल मात्र 7 रन बनाकर दीप की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। 7 गेंदों का सामना करते हुए तो उनके साथ आए दूसरे सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, उन्होंने इस मुकाबले में धाकड़ पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने तूफानी अर्धशतक ठोका। दोस्तों, अगर हम पारी की बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में 66 रनों की धाकड़ पारी खेली 49 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 9 चौके व 1 छक्का लगाया था। और अभी बैश्नोई की गेंद पर दीपक हुडा को अपना कैच दे बैठे और आउट हो बैठे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों, इस मुकाबले में एक और बार धीमी शुरुआत के चलते 34 रन बनाकर बिश्नोई की गेंद पर दीपक हुडा को त्रिपाठी अपना कैच दे बैठे और 34 रन बनाकर आउट हो बैठे। तो उनके बाद नीतीश राणा मैच फिनिश करने आए। दोस्तों, इस मुकाबले में नीतीश राणा भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस मुकाबले में 31 रनों की पारी खेल 18 गेंदों का सामना करते वो भी अपनी विकेट गवा बैठे। तो उनके बाद ऑयन मॉर्गन भी मात्र 2 रन बनाकर LBW आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऑयन मॉर्गन एक और बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों, तारीफ होगी किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाजों की, जिन्होंने इस मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके बाद दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए। में दिनेश कार्तिक ने भी 11 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी अंत में आकर अर्षदीप की गेंद पर आउट हो बैठे। तो उनके बाद टीम सिपट जो कि अपना डेब्यूट मैच खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, वो भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 165 रन लगा दिए थे। जी हां दोस्तों, 165 रन पर ढेर हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। इस मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी भी काफी ज्यादा शानदार रही, जिसे देखो खुद प्रीटी जिंटा ने भी केएल राहुल के लिए तालियां बजाई। जी हां दोस्तों, जिस हिसाब से 19वां ओवर केएल राहुल ने अर्षदीप नाथ के हाथों निकाला, वो काबिले तारीफ। में आखिरी गेंद पर कार्तिक की भी विकेट शामिल थी। दोस्तों, केएल राहुल की कप्तानी पर काफी ज्यादा तालियां बजाई प्रीटी जिंटा ने। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ये मैच जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। और वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट के बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।